हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम सहसुत की कलमें लेंगे, सहसुत की कटिंग से कलमें तैयार करेंगे। और कलम तैयार करने से पहले हम कटिंग किस प्रकार से लाते हैं वो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि हमें कटिंग लाने के लिए या तो पास में ही कोई पेड़ मिल जाता है या फिर हम इस ईयर के प्लांट्स को हम क्या करते हैं, जैसे कि दो या चार या जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको अलग किसी भी साइड में लगाकर छोड़ देते हैं, जिससे कि अगली साल हम उनसे कटिंग तैयार कर सकें। यह सहसुत का पेड़ है और सहसुत के पेड़ से इससे पत्तियां झड़ गई हैं, क्योंकि ये सर्दियों में ज़्यादातर सहसुत के पेड़ से पत्तियां झड़ जाती हैं। इससे हम कलमें, ये अंदर से मतलब सूखा नहीं है, इसकी कलमें हम तैयार कर सकते हैं। लेकिन आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि इसकी क्या कलमें तैयार होंगी, पर लेकिन इसकी कलमें तैयार करके मैं आपको आगे किस प्रकार से वो कलमें फुटान लेती हैं 15 से 20 दिन के बाद मैं वीडियो लेकर आऊँगी कि कलमें किस प्रकार से फुटान लेती हैं और सहसुत की कलमों को हम किस प्रकार से तैयार करेंगे अभी कलमें काटने के बाद। ज़्यादातर कलमें तैयार करके वही प्रोसेस रहती है, जैसे कि नीचे की साइड में रूट में लगाया जाता है और ऊपर की साइड में मोम लगाया जाता है, और वही प्रोसेस होती है बेड में लगाने की। ऊपर की साइड में मोम किया जाता है और नीचे की साइड में रूट विन किया जाता है। रूट विन को नीचे की साइड इसलिए करते हैं क्योंकि नीचे की साइड में फंगस वगैरह नहीं लगें कटिंग से। ये क्या है, थोड़ा ज़्यादा ऊंचा हो गया था पेड़, इसलिए हमें ऐसे इस प्रकार से कलमें लेने की ज़रूरत पड़ गई थी। अगर आपका बड़ा पेड़ है तो बड़ी कटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि छोटी कटर से ये इतनी मोटी कटिंग हम ले नहीं सकते हैं। और अब इनको छोटी कटर से किस प्रकार से कलमें हम तैयार करेंगे और कलमें किस प्रकार से तैयार करते हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि कलमें हम किस प्रकार से तैयार करते हैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर प्लांट्स हैं जो हम कलम के द्वारा तैयार करें, लेकिन सर्दी गर्मी की वजह से ज़्यादातर कलमें नहीं तैयार हो पाती हैं या फिर मर जाती हैं, कुछ भी हो जाता है या फिर फंगस लग जाता है, तो हम सीड्स का प्रयोग करते हैं। फिर जो कलमें मर जाती हैं उसी जगह से हम कलम को निकालने के बाद वो पॉलीथीन ख़राब नहीं हो, या तो हम दूसरी कलमें लगाने की कोशिश करते हैं उस जगह पर, या फिर उस जगह पर जैसे कि हमने सहसुत की कलमें तैयार की हैं तो हम सहसुत का बीज ही लगाने की कोशिश करते हैं, या फिर दोबारा हम कलम लगाने कैसे हम उस प्लांट को ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं। और कलम तैयार करने के बाद हम किस प्रकार से उसको तैयार करते हैं वो आपने मेरे कई बार पहले वीडियो में देखा होगा, हम किस प्रकार से मोम लगाते हैं और किस प्रकार से रूट बिन लगाते हैं, ऐसे ही इन कलमों को अभी हम तैयार करेंगे।